नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नितिन गडकरी की अन्ना और सोनिया गांधी को खुली चुनौती। भूमि अधिग्रहण विधेयक को राजनीतिक रंग नहीं देने का आग्रह करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्ना हजारे सहित विभिन्न नेताओं को किसी भी मंच पर खुली चर्चा के लिए पत्र लिखा है और राष्ट्रहित में इसे पारित कराने में सहयोग मांगा है। गडकरी ने कहा कि इस विधेयक के बारे में जो बातें कही जा रही हैं वे जमीनी हकीकत से परे हैं, इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के पारित होने पर अधिक से अधिक रोजगार सृजित किया जा सकेगा, सिंचाई के साधन विकसित होंगे, सड़क संपर्क बढ़ेगा, स्कूल और अस्पताल खुल सकेंगे। इसके तहत 80% अधिग्रहण तो सिर्फ सिंचाई के लिए होगा। आतंकवादियों को समर्थन देना बंद करे पाकिस्तान, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए गुरुवार को जयपुर में कहा कि यदि पड़ोसी देश आतंकवादियों को समर्थन देना बंद कर दे तो दक्षिण एशिया में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा। आतंकवाद रोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद राजनाथ ने कहा कि खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS भारतीय मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में इसलिए असफल रहा है क्योंकि वे पूरी तरह से मुख्यधारा में शामिल हैं तथा देश आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। अदालत का यह फैसला हंसराज जैन की याचिका पर आया है जिन्होंने पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की मांग यह आरोप लगाते हुए की थी कि आपका पंजीकरण जल्दबाजी में बिना पर्याप्त जाँच के झूठे और जाली दस्तावेजों के आधार पर हुआ है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया उत्तर प्रदेश में लुटे। एक सनसनीखेज घटनाक्रम में निजामुद्दीन एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्रा कर रहे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया को मथुरा के पास कुछ हथियारबंद लोगों ने लूट लिया। जैसे ही जीआरपी ने एसी कोच का दरवाजा खुलवाया तो बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए। इस बीच वित्त मंत्री की पत्नी ने कहा कि यदि अंगूठी उतार कर नहीं देते तो बदमाश उनकी उंगली काट देते। मुंबई के स्कूलों में गीता पढ़ेंगे बच्चे। अध्यात्म के बारे में छात्रों का ज्ञान बढ़ाने और नैतिक बल के उत्थान के लिए शहर और उपनगर में निगम के सभी स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाई जाएगी। बृहन मुंबई महानगर पालिका के निगम उपायुक्त रामदास भाऊ साहिब ने कहा कि हम छात्रों को स्वतंत्र बनाने और फैसला लेने की उनकी क्षमता को और धार देने के लिए उन्हें गीता की जानकारी देंगे। महानगर पालिका के अंतर्गत 1200 स्कूल हैं और कुल 4,78,000 छात्र हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।